तथ्यहीन बातें, समाज को भड़काने वाली, लोगों की आस्था पर चोट करने वाली, बच्चों को गलत दिशा में ले जाने वाली बातों को भाषण दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में मटन और बीफ पीस के लड्डू बनाए जा रहे थे, और इस तरह की का बयान बहुत ही निंदनीय है। वो लगातार कह रहे हैं कि वहाँ नॉन हिंदू मंदिर चला रहे थे। ये बिल्कुल तथ्यहीन बातें हैं, और ऐसी जिम्मेदार पद पर रह के इस तरह की दुर्भावनापूर्ण द्वेष फैलाने वाली बातें करने वाले व्यक्ति पे पुलिस को मुकदमा लेके कार्रवाई करनी ही चाहिए। और मेरा तो मांग रहेगी, मेरी तो सलाह रहेगी कि तिरुपति ट्रस्ट के लोगों को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है, नाम लेके बोल रहा है ट्रस्ट मंदिर का। किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले, जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। ये नहीं कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह के इस गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ हो जाए, और कोई दूसरे दल का हो तो उसके पूरे कानून की बात करें। कानून को अपना काम करना चाहिए, जिसका जितना गलती है उस पर उतनी कार्रवाई होनी चाहिए और जाँच होनी चाहिए। और हम लोग भी उन्हीं विषयों पर मांग उठाते हैं जहां हमको सूचना होती है कि गलत कार्रवाई हो रही है। इस केस के तथ्यों का भी हम लोग पता करेंगे और उसके बाद जैसा होगा वैसा अपना बयान जारी करेंगे।